अभी इशू होता है, टॉपिक होता है कैलेंडर गर्ल्स, एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा इशू मेरे ख्याल से किसी ने हिंदुस्तान में इस तरह की फिल्में बनाई नहीं है कि कैलेंडर गर्ल्स के बारे में हम लोग इतना सोचते हैं, एक हवा उसका, एक हमेशा लोग कैलेंडर्स की बात करते हैं। लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि इस तरह की फिल्म बनानी चाहिए कि कैलेंडर गर्ल्स की जो ज़िंदगी है वो एक साल की है, वो एक साल के बाद वो लड़कियां जाती कहाँ हैं, क्या होता उनके साथ, किस तरह से एक उनकी जर्नी का जो टेन्योर होता है एक साल का होता है और कहाँ जाते हैं, वो जो ज़रूरी होता है, तो मुझे लगा ये एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो मैंने है जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को पकड़ा है 5 लड़कियों के साथ जो इशू है। कहीं मैंने, जैसे मैंने कहा कि ये फिल्म जो बहुत ही रियल है, 75% रियल फिल्म है और इस पर रिसर्च गया है, मैं, मेरे राइटर्स, तमाम लोगों ने मिल के इसे रिसर्च किया, लोगों से इंटरेक्शन किया है, उसके बाद जाके ये फिल्म का जो है पूरा इसका निर्माण हुआ है।